नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मठरी बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। आपको कितनी मठरी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग मैदा लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया है, आटा लिया है मैंने, और सूजी ली है। थोड़ा सा मीठा सोडा मैं इसमें डालूँगी, कसूरी मेथी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तेल हमें चाहिए, अजवाइन और नमक, और पानी हमें चाहिए। और अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा आटे का जो डो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए देखिए, ये आटा हमने ले लिया है, मैदा हमने ले लिया है, और ये आटा हमने ले लिया है। देखिए आटा मैं डाल रही हूँ इसमें, करीबन ये इस तरह की 2 छोटी कटोरी मैंने आटा डाला है। और सूजी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये कुरकुरी थोड़ी सी बने। सूजी में ये करीबन 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैदा मेरा 1 किलो है। देखिए मैंने बचा लिया है थोड़ा सा, आप चाहो तो पूरा भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है गाइस, आप चाहो तो डालो, आप ना चाहो तो ना डालो। आप चाहो तो हरा धनिया भी यहाँ पर डाल सकते हो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मीठा सोडा, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि अजवाइन से जो हमारा भोजन है वो पचता है, मैदा गरिष्ठ होता है, हाथों में जाके चिपक जाता है, इसीलिए मैंने इसमें आटा और सूजी मिलाया है। और ये अजवाइन अब मैं इसको मिक्स करूँगी पूरे आटे को। और उससे पहले मैं इसमें मोयन यानी तेल डालने वाली हूँ। तो तेल यहाँ करीब देखिए 1 कटोरी मैंने डाला है, ये देखिए गाइस इस तरीके का बैटर, ये देखिए हमारा मिक्सर तैयार है। ये देखिए आप, अब हम इसका डो लगाएंगे। तो ये देखिए एक बार और मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती जाऊँगी और डो लगाती जाऊँगी। देखिए गाइस डो हमारा लग के तैयार है, और अब हम इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमने थाली ढक दी है, 10 या 15 मिनट बाद हम हमारी मठरी बनाएंगे। अब हम इसमें से लोया बनाएंगे, जितना मोटा पतला आपको लेना हो। देखिए, और ये यहाँ पर हम तेल से ग्रीस कर देंगे, लोहे के तेल लगाएंगे। ये देखिए बेलन के हमने तेल लगा दिया है, और अब हम इसको बेलेंगे। ये मैं रिंग बताने वाली हूँ आपको कि रिंग हम किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत ही मस्त बनेगी। मोटा पतला आपको जैसे रखना हो आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए अब हम लेंगे, देखिए 2 ढक्कन हमने लिए हैं, आप इससे छोटा भी ले सकते हो बड़ा भी ले सकते हो। ये देखिए इसके मैं तेल लगा रही हूँ, ये देखिए देखिए गाइस इस तरीके से मैं अच्छे से दबाव देते हुए ताकि कट लग जाए हमारे। ये देखिए देखिए गाइस, अब ये छोटा वाला लेंगे हम इस तरीके से, देखिए इसको भी हमें टाइट से करना है ताकि हमारी रिंग अच्छे से निकल जाए। ये देखिए ये जो अंदर गोल गोल बच रहा है हिस्सा, ये भी हमारे काम में आ जाएगा, हम इसको काम में ले लेंगे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इनको हम पहले निकाल देते हैं, देखिए इस तरीके से पकड़ के केयरफुली। ये देखिए गाइस ये हमारी रिंग बन के कंप्लीट है, आप देखिए ये बीच का जो पोर्शन है इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए आप अच्छे से कट लगाओगे तो ये फटाफट निकल जाएगा इजी वे में। ये देखिए और ये हमारे काम आ जाएगा, इसको भी हम तल लेंगे। देखिए
देखिए ये हमने निकाल लिया है पूरा, और ये भी हमारे काम आएगा। देखिए ये कुछ शेप बिगड़ गया तो हाथ से हम कर देंगे देखिए। और जो ये हमारा, ये देखिए ये जो हमारे हैं इनको हम इस तरीके से कर देंगे ताकि ये फूले ना, और ये भी हमारी मटर बन के तैयार हो जाएगी। देखिए और ये हमारे बन ही जाएंगे, इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूँगी। ये हमने सभी बना के कंप्लीट कर लिए हैं गाइस, और अब हम ये देखिए जो छोटे छोटे ये हमारे थे इनको हमने वेस्ट नहीं जाने दिया है, और अब हम इसको भी इनके साथ तल लेंगे। रिंग हमारी तैयार है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ये छोटी बड़ी मोटी पतली आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, और अब इनको हम तलेंगे। गैस पे मैंने तेल चढ़ा रखा है और ये फटाफट आपके तल के तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, करीबन 5 या 7 मिनट में आपके ये होके और तैयार हो जाएंगे। देखिए सभी बनके तैयार हैं, और अब इनको वन बाय वन हम, तेल हमारा हो गया है इसको वन बाय वन हम इसमें तेल में डालेंगे। देखिए पहले हम इनको डाल देते हैं, थोड़ी मोटी है रिंग आसानी से तल जाएगी। सारी एक साथ में डालने वाली हूँ और इसमें टाइम नहीं लगेगा गाइस, ये 1 मिनट में हमारी हो जाएगी। और अब मैं रिंग डाल रही हूँ, देखिए आप ये देखिए ये हमारी बिल्कुल स्लो मैंने गैस कर रखी है, और ये देखिए फटाफट हमारी तल रही है। अभी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फटाफट, कच्ची भी नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल पतली बनी हुई है और रिंग है ये। देखिए अभी गोल्डन ब्राउन होते ही हम इनको बाहर निकाल लेंगे। सारी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई, मुझे ऐसा ही कलर चाहिए गाइस। अगर आपको और थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आप और इनको तल सकते हो। और अब हम गैस को बंद कर रहे हैं, और इनको ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से तेल भी नीचे पूरा झड़ रहा है देखिए, और जो हमने इसके अंदर से निकाले थे वो गोले भी हमारे तल के तैयार हैं। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी हमारी ये जो नमक पारे हैं वो बन के तैयार हुए हैं। हमारी सारी रिंग बन के तैयार है, और इनके ऊपर हमने ये देखिए कांटे की सहायता से, फोक की सहायता से हमने फोक से यहाँ पर निशान कर दिए थे तो ये भी नहीं फूली है, और ये भी हमारी मटरी बन के तैयार हुई है। और अब हम इसको सर्व कर रहे हैं, यहाँ मैं सॉस के साथ सर्व करने वाली हूँ। देखिए ये रिंग में ले रही हूँ देखिए आप, तो ये एक बार में ही 2 तरह की मटरी हमारी बन गई है। देखिए कितनी अच्छी रिंग हमारी आई है आप देख सकते हो। देखिए हम इसको बीच में देखिए आप इस तरीके से सॉस से मैं सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये रिंग हमारी बनके कंप्लीट है। देखिए कितना अच्छा कलर हमारा आ रहा है। देखिए इस सॉस से मैंने सर्व करी है, अब एक दो फोटो देखिए गाइस, हम इस तरीके से इनको भी सर्व कर देंगे। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये रिंग और ये बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि उनको नया लुक ये मिलेगा देखिए। और आप सॉस से इनके ऊपर स्माइली बना सकते हो, या सॉस से आप कोई डिजाइन बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। देखिए गाइस तो ये हमारे नमक पारे बनके तैयार हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइस।